Hello friends, you are most welcome to my YouTube channel All Round Knowledge. Dear friends, आ गए हैं सर इम्तियाज करने नई नई चीज़ों के आगाज. दोस्तों चिंता न करें, आपको जरूर बनाएंगे इंग्लिश का सरताज. Yes friends, today I have adopted a unique method to teach you the use of preposition. You can learn the use of preposition through Hindi sentences. और जो पहला सेंटेंस है, मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ. आई एपोलोजाइज. अब यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन होगा, टू यू या विद यू या फिर फ्रॉम यू. आई एपोलोजाइज टू यू. एपोलोजाइज के साथ हमेशा टू का यूज होता है. फॉर माई मिस्टेक, अपनी गलती के लिए. आई एपोलोजाइज टू यू फॉर माई मिस्टेक. नेक्स्ट सेंटेंस, वह अपने बच्चों से गुस्सा है. शी इज एंग्री विद हर चिल्ड्रेन. हमेशा एंग्री विद होता है, एंग्री विद सम पर्सन. चाइना इज, अब यहां पर क्या होगा, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया या फिर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया या फिर एट द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हो गया ना कंफ्यूज. यहां पर होगा टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. यदि बॉर्डर के बाहर कोई भी कंट्री है तो टू द नॉर्थ, यदि बॉर्डर पर है तो एट द नॉर्थ, और यदि बॉर्डर के अंदर है तो इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ये इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे. आई लेफ्ट फॉर कॉलेज एट 10 o'clock. मैं कॉलेज के लिए 10 बजे निकला. आई लेफ्ट फॉर कॉलेज एट 10 o'clock. लीव फॉर मिस होता है रवाना होना, कहीं से निकलना. तो लीव लेफ्ट लेफ्ट. आई लेफ्ट फॉर कॉलेज एट 10 o'clock. जब भी टाइम दिखाना हो 10 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock, तो वहां पर 8 लगता है. वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द कॉलेज. हमें कॉलेज के रूल्स के साथ चलना चाहिए. वी शुड कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द कॉलेज. तो हमेशा कंप्लाई विद होता है. इस जगह हम लोग अबाइड बाई का भी यूज कर सकते हैं. वी शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कॉलेज. हमेशा ध्यान रखेंगे कंप्लाई विथ. मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है. आई प्रेफर टी टू कॉफी. हमेशा प्रेफर टू होता है, प्रेफर देन कभी नहीं होता है. आई प्रेफर टी देन कॉफी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. आई प्रेफर टी टू कॉफी. जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है वो प्रेफर के बाद लिखेंगे, और जिस चीज़ से अधिक आप पसंद करते हो उसको टू के बाद लिखेंगे. आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी से ज़्यादा टी पसंद है. उसका ड्रेस मुझसे अलग है. हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी. ये बिल्कुल ईजी है. डिफरेंट फ्रॉम यानी बिल्कुल अलग. हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी. विराट ने अनुष्का से शादी की. विराट मैरिड. अब यहाँ सवाल उठता है कि प्रीपोजिशन लगेगा या फिर नहीं भी लग सकता है. तो विराट मैरिड अनुष्का, यहाँ पर होगा नो प्रीपोजिशन. विराट की शादी अनुष्का से हुई. विराट वॉज मैरिड टू अनुष्का. यदि ये पैसिव वॉइस में रहता है तो फिर टू देना जरूरी हो जाता है, और हमेशा ध्यान रखेंगे विद नहीं होगा, टू होगा. विराट वॉज मैरिड टू अनुष्का. मेरी घड़ी तुमसे अच्छी है. माई वॉच इज सुपीरियर टू यू. यहाँ पर भी टू होगा. हमेशा सुपीरियर टू होता है, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रेफर टू, ये हमेशा टू से फॉलो होता है. पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल. यदि कोई भी सामान किसी दूसरे सामान को टच करता है, उसके ऊपर बिल्कुल रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो है ऑन का यूज करते हैं. ये हम सभी जानते हैं. पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल. ऑन का और भी बहुत सारा यूज है. जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होता है, ऑन टेलीफोन, ऑन कंप्यूटर, ऑन टेलीविज़न, इस तरह का भी यूज़ है. और भी बहुत सारा यूज़ है. अभी फ़िलहाल हम लोग एक्सरसाइज पर ध्यान दे रहे हैं. कपड़ा गज से बिकता है. क्लोथ इज सोल्ड बाय यार्ड. अंडे दर्जन से बिकते हैं. एग्स आर सोल्ड बाय डजन. आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन. मैं सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा. आई विल स्टैंड बाई यू. स्टैंड विद यू नहीं, आपके साथ. स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन.